अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं माय होम विद किचन। तो आज हम बना रहे चिकन पोटली समोसा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा, 4 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 कप पानी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा और नमक, मैंने घी 4 टीस्पून लिया। अगर आप 5 टीस्पून लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। घी हमारा जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छा हमारी डो तैयार होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह आटे को गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है सेम। ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। चलिए समोसों का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम चिकन बोनलेस, 4 कप ऑयल, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया, इसे हमने चॉप कर लिया है, 3-4 हरी मिर्चें ली, इसे हमें बारीक बारीक काट लिया है, 1 बड़ा आलू लिया, इसे मैं बॉईल करके मैश कर लिया है, 1 मीडियम फ्लेम पे हमने पतीली रख दी थी। पतीली हमारी गर्म हो गई है, अब हम तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हिलाएंगे। देखिए चिकन ने रंग चेंज कर लिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मिक्स करेंगे। प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। चारों को अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को, अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्च को और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मिक्स करेंगे।
इसे हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला चिपके ना। चलिए चीज़ें हमारी फ्राई हो गई, हम डालेंगे मसाले। हाँ मिर्च, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, हम इसे हिलाएंगे अच्छे से। हमने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। हम इसमें डालेंगे आलू, मिक्स करेंगे। चलने से थोड़ी देर छोड़ देंगे मीडियम को, बिल्कुल स्लो कर देंगे। एक बार फिर से मिक्स करेंगे। ऐसे करने से जो हमारे आलू बड़े बड़े होंगे उसके भी पीसेस हो जाएंगे और चिकन भी छोटी छोटी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक्कन को हटाएंगे। देखिए मसाला हमारा रेडी हो रहा है, फुल रेडी। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ढककर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, बिल्कुल फ्री है। देखिए डो को हमने रख दिया था, हम इसके पेड़ा बनाएंगे। जिस तरह आप रोटी का पेड़ा बनाते हैं सिंपली इसी तरीके से बनाना है। चलो हम इसे बेलेंगे जिस तरह रोटी को बेलते हैं। रेस्ट करेंगे, फिर से बेलेंगे। आटा हमें सख्त ही गूंदना है, अगर नरम गूंदेंगे तो सही नहीं बनेगा। रोटी को हमने बेल लिया है, अब हम एक प्लेट की मदद से इसको सर्कल शेप में कट करेंगे। आप कुछ बॉल वगैरह भी ले सकते हैं छुरी से। हैंड्स लगा रही हूँ मैं, इससे ये आसानी निकल जाएगा। इसे साइड पे रख देना है, ये भी हम हमारी रिबन बनाने के लिए काम आएगा। अब हम इसमें मसाला रखेंगे, एक छोटा सा बॉल बना के पानी लगाएंगे साइडों पे। और इसे इस तरीके से बंद करते जाएंगे।
अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये आपका खुल भी सकता है, जब आप तेल में डालेंगे आपका खुल जाएगा, तो इसलिए मैंने पानी लगाया है। देखिए पोटली, एक पोटली बना ली है, अब दूसरी पोटली बनाएंगे। सारा एकदम साइड में पानी लगाएंगे। उसको भी इसी तरीके से बंद कर लेना है। देखिए ये भी हमारा बंद हो गया है। तो बीच में से दबा देना है, थोड़ा सा पतला हो जाए ताकि भी जो हमारा आटा बचा था इसके हम रिबन बनाएंगे। इस तरह से मैंने लंबा काट लिया है, तीन लाइंस लगा दी हैं। जिस तरीके से रिबन की शेप होती है उसी तरीके से सेम हमने इसे काट लिया है। थोड़ा लंबा करके थोड़ा सा पानी लगाएंगे। शुरू में भी सेम इसी तरह इस तरीके से पानी नहीं लगा लेंगे। रोटली उठाई हमने, तो बीच में से दबाया और रिबन लगा दी। दूसरे पे भी इसी तरीके से लगाना है। इसी तो प्रेस कर देना है। इसी चलें, तेल हमारा गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम रखना है। बस में पोटली डालेंगे, देखें पोटली समोसा हमारा फ्राई हो रहा है। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो पोटली हमारी जल जाएंगे, उस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो हम पलटेंगे, तो साइड चेंज कर देंगे। देखिए
ये तैयार हो रहे हैं। सब सीधा करेंगे, दोनों को सीधा कर लेंगे ताकि नीचे से ही पक जाए। फिर से पलटेंगे इसे। अब देखिए ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम इसे निकालेंगे। दूसरे को भी निकालेंगे। देखिए हमारे पोटली समोसा कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने अच्छे